है व्हाट्सअप एवरीबॉडी, दिस इज राजन, केम छो मजामा। तो हम शायद डेढ़ साल के बाद अभी व्लॉग कर रहे हैं। अभी मैं हूँ सूरत में और अभी मैं जाने वाला हूँ हजीरा रोरो फेरी सर्विस में। अभी सुबह के शायद ऑलमोस्ट 6 बज चुके हैं और मुझे 7 बजे तक पहुँचना है। चलो मैं आगे की चटनी अभी आपको दिखाता हूँ। बादल का भी क्या बोले, क्लाउड्स भी है। शायद ये शिप यहाँ से होकर यहाँ से जाएगा। ये कुछ बैंड पहनवाया पहनवाया इन लोगों ने, मालूम नहीं क्या बैंड है, लेकिन इन लोगों का मतलब हजीरा मतलब वो कुछ लिखा आ रहा है। ये हमारा सामान आदि वगैरह यहाँ से नीचे से लोड करवा दिया है। मैंने अपनी गाड़ी नीचे लगवा दी। उसके बीच में मैंने एक और मुझे एक इसकी एक साइड का पता चला और यहाँ पे दूसरी साइड पे, यहाँ पे मतलब सामने मेरे एकदम पीछे की साइड एकदम सन है। देखते हैं अभी, अभी आप देखो अभी तो ये मतलब बारिश का मौसम चल रहा है। तब भी अभी 7 बजे सूरज देखो कितना मतलब एकदम तेज है। अभी मुझे पता चला कि यहाँ पे अच्छी कैंटीन की मतलब ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब अभी मैंने समोसा लिया हुआ है और चाय ली हुई है। अभी देखते हैं आगे, अच्छी अच्छा लगे तो मैं आगे कुछ और भी ट्राई करने वाला हूँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये समोसा मतलब एकदम गर्मा गर्म है, चाय भी दिखने में तो अच्छी है, टेस्ट में बता। वेट, एकदम घटिया है। पैसा बेस्ट, 25 रुपये की चाय है। सिर्फ लुक ही अच्छा है, ठीक है ना। क्या है यार, मतलब वही है, मतलब ASRTC वाले 10 रुपए की जो चाय देते हैं ना, ये वही है। दूसरा कुछ भी इसमें नहीं है, मतलब उबाला नहीं है, ये दूध की नहीं है, ये पाउडर दूध की है चाय। टोटल वेस्ट। समोसा ट्राई करते हैं। समोसा अच्छा है, मतलब फ्रेश लग रहा है और गर्म भी है। मतलब ये समोसा 40 रुपये का है, ठीक है ना, एक्सपेंसिव टू एक्सपेंसिव। 5 रुपये का समोसा 40 रुपये में बेच रहे हैं ये लोग, मतलब कोई बात नहीं चलता है। एक मैंने पानी का बोतल लिया हुआ है 20, मतलब ये जो पानी की बोतल है वो भी 20 रुपये की नहीं है, 30 रुपये की है। देख रहे हो आप, एक लीटर पानी बेचने का 30 रुपये।
एल्कलाइन वाटर लिखा हुआ है, लेकिन इतने सस्ते में नहीं आता एल्कलाइन वाटर, वी नो वेरी वेल, 30 रुपये में आता है। चलो मिलते हैं फिर। और सॉरी, अभी मुझे एक चीज़ के बारे में पता चला, 30 रुपये की पानी की बोतल है, 25 रुपये का मतलब 25 रुपये की चाय है, और ये शायद समोसा 25 रुपये का है, मतलब तो भी है ज़्यादा ही, लेकिन 25 रुपये ठीक है। मतलब अभी हम जब मूवी देखने जाते हैं वहाँ पे तो 40-50-60 रुपये देते हैं, कोई बात नहीं है, मतलब क्वालिटी अच्छी है, मतलब चाय की नहीं है, चाय मैं रिकमेंड नहीं करता। ये मुझे अच्छा लगा, अभी मैं कुछ और भी ट्राई करूँगा अगर मुझे भूख लगे तो। ओके, मैं आपको स्टे ट्यून आगे दिखाता हूँ जो भी बनता है। तो अभी कुछ ऐसा सीन है कि यहाँ से सिर्फ रवाना होने वाली है, और हमें बैठा दिए हुए हैं, मतलब बोला है कि बाहर मत निकलना थोड़े टाइम के लिए। अभी वो हमें बोलेंगे, इस माइक में अनाउंस करेंगे कि कब हमें बाहर निकलना है, क्योंकि इसका कुछ मतलब सेफ्टी रीजन से है, हमें यहाँ पे बैठा रखते हैं। शायद मेरे दोस्त ने मुझे बोला था शायद आधा घंटा या पौना घंटा यहाँ पे हमें बैठना होगा। मतलब तो अभी ऑलरेडी यहाँ पे शिप चल चुकी है और मैं ऊपर जा रहा हूँ, अभी यहाँ वहाँ से होकर मैं ऊपर जा रहा हूँ, फिर देखूँगा कि कैसे है। We are at the top level of the ship. हम यहाँ से निकले थे पीछे से, और अभी हम आगे उधर जाने वाले हैं। तो मज़ा आ रहा है, और अभी एटमोसफियर तो ग्रेट है, बिकॉज ऑफ यहाँ ज़्यादा धूप है, मतलब बादल वाला मौसम है, ज़्यादा धूप भी नहीं लग रही है क्योंकि बारिश का मौसम है, और मस्त एंजॉयमेंट, मतलब जो मतलब एक्सपेक्ट किया था उससे तो ज़्यादा ही है। आई पे फॉर, मैं भी टिकट्स के बारे में बता देता हूँ, मेरे एक दोस्त थे, दोस्त के वहाँ से मैंने, उसके दोस्त से मैंने टिकट बुक करवाया था। मेरी जो टिकट है वो 625 रुपीज़ है, मतलब एक पर्सन की जो पैसेंजर की टिकट है उसमें जो इकोनॉमी क्लास होता है उसकी कुछ 625 रुपीज़ है, और फिर और जो मतलब और आगे होता है उसकी 1100 रुपये टिकट है जो बिजनेस क्लास होता है, और मैंने अपनी टू व्हीलर गाड़ी का पे किया हुआ है 350 रुपीज़ टोटल, मुझे ओवरऑल 975 रुपीज़ पर मेरे टोटल टिकट्स पड़ी है। मतलब गुड सर्विस है, मैं एक बार एक्सपीरियंस करना चाहिए, क्योंकि वी आर इन द सी, आप देख सकते हो, ये शायद कौन सा मतलब है मुझे मालूम नहीं है कौन सा सी, अभी मैं सर्च करके बताता हूँ। हमारा जो गुजरात है उसका सबसे बड़ा मतलब जो वो होता है मतलब सी वाला, 1600 किलोमीटर तक लंबा है, जो हम पढ़ते थे तब उसमें आता था, देखते हैं अभी तो आगे। अभी हम यहाँ से निकले थे, ये अजीरा पोर्ट है, ब्यूटीफुल स्काई, और फिर हम जा रहे हैं यहाँ पे सीधा, ये आगे का मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे ये जो पायलट का उन लोगों का है यहाँ पे अलाउड नहीं है। नीचे से जाके मैं बताऊँ, देख ये वेव्स, तुम्हें पीछे का सीन दिखा दो, वो भी थोड़ी देर के बाद आई वॉक अराउंड। और अभी जो ये जो एरिया है वो पीछे वाला एरिया है, यहाँ पे अभी तो मैंने 2-4 फोटो खींची है, ये देखो ये पूरा शिप का, मैं अभी आपको टूर देता हूँ, मज़ा आ रहा है। सकते हो, मतलब
सेफ्टी रीजन के लिए हमें अंदर बिठाया गया था। देखते हैं अभी आगे क्या होता है, मतलब आगे तो क्या होने वाला है, कुछ न्यूज नया तो नहीं होने वाला है अभी शायद। हम अभी मेरी घड़ी डेड हो गई है, मतलब चार्ज करना कल भूल गया था, और मेरा क्या है कि मैं अभी आईफोन के चार्जर में से, मतलब जो मेरी घड़ी है वो नॉइस की है, वो मैं चार्ज नहीं कर सकता क्योंकि मतलब उसका टाइप सी रहता है, मतलब जो आईफोन का मेरा चार्जर है वो मेरे पास जो एंड्रॉयड यूएसबी है वो मेरे पास चार्जर नहीं है, उसलिए मैं चार्ज नहीं कर सकता, और मैं कल भूल गया था चार्ज करने के लिए। तो मैं अभी जस्ट सो के उठा हूँ, मैं थोड़ा टायर्ड था, सुबह 5 बजे जगा था, इसलिए मतलब इधर मैं बैठा और सीधा मतलब नींद ही आ गई क्योंकि ऐसे भी शुरू है, मतलब मस्त एटमोसफियर है, और अभी 3 इडियट्स मूवी भी ख़त्म हुई तब मतलब सब जो दरवाज़ा वगैरह खुले तब मुझे मालूम पड़ा, और मैंने फ़ोन में अलार्म लगा दिया था 11 बजे का, अभी 11 बजे तो 11 बजे मैंने फ्रेश हो गया हूँ, अभी शायद 1 घंटे का सफ़र ही बाकी है, 1-1.5 घंटे का, 12:30 1 बजे हम पहुँच जाएँगे, और शायद 1:30 बजे मैं भावनगर घर पहुँच जाऊँगा। देखते हैं अभी आगे क्या होता है। अभी मैं गाइस रूफ टॉप पे बैठा हूँ, और मुझे अभी यहाँ से मेरा भावनगर का जो लोकेशन है गोगा, यहाँ से मुझे साफ दिख रहा है, जैसे मैं सुबह मैंने बोला था कि मैं जहाँ से निकला था जैसे दिख रहा था, मतलब छोटा सा अभी ऐसा मुझे दिख रहा है, शायद अभी 13 या 14 किलोमीटर अभी डेस्टिनेशन से दूर है अभी शायद, ये लोग बोल रहे थे। मैंने अभी सिक्योरिटी गार्ड है उसको मैंने पूछा कि कितना टाइम लगेगा सर जी, तो उन्होंने बोला कि अभी शायद आधा घंटा तक लगेगा, क्योंकि अभी जो हमारा लोडिंग है वो गाड़ियाँ वगैरह आदि वो उतारना भी है, मतलब उधर जाके कितनी देर लगेगी वो बता देंगे, शायद अभी आधे घंटे 1 घंटे में मैं मतलब गोगा पहुँच जाऊँगा, और वहाँ से मेरा बाइक पर सफ़र है वो होगा, बाइक पर सफ़र मेरा 25 किलोमीटर का सफ़र है, मैंने जो सुबह तय किया था उतना अभी मुझे अभी भी करना है दोपहर में, फिर मैं घर पे पहुंचूंगा। इफ़ यू सी ये जो लाइंस है ना, ये जो लाइंस मैं वहाँ पे जाना है आगे जाना है।